नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। लगातार यह बातें कही जा रही थी कि आखिर महाराष्ट्र की उथल पुथल की राजनीति चल रही है, विद्रोह की राजनीति चल रही है, शरद पवार चुप क्यों हैं? शरद पवार आखिर कोई गेम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीति के चालक कहे जाने वाले शरद पवार आखिर कोई खेल क्यों नहीं खेल रहे हैं? लेकिन शायद शरद पवार फ्रंट पर आकर नहीं, पीछे रहकर ही खेल खेलना चाहते हैं। बीते दिन की बात है, संजय राउत, सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक मीटिंग करी। यह मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। इस एक घंटे की मीटिंग में काफी चर्चाएं हुई होंगी। वह क्या चर्चाएं हैं, वह बातें तो बाहर नहीं आई, लेकिन इस मीटिंग के बाद शायद शरद पवार का गेम प्लान है जो, वह उद्धव ठाकरे तक पहुंच गया सुप्रिया सुले के द्वारा। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पास ये गेम प्लान पहुंच गया। इस एक घंटे की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे एक बड़ा फैसला लेते हैं। पहले तो वह मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देते हैं और अपने पुश्तैनी मकान मातोश्री में उपस्थित हो जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि अब वह अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते। और इसके बाद जो एक फैसला लेते हैं उद्धव ठाकरे, वह उनका बलिदान कहिए या उनकी चाल कहिए या शरद पवार का गेम प्लान कहिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मैं यह पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे पद का किसी प्रकार का भी लालच नहीं है, बल्कि यदि शिव सैनिक मेरे मुख्यमंत्री बने रहने से नाराज हैं, मेरे विधायक नाराज हैं, तब मुझे एक बड़ा फैसला लेना होगा और वह फैसला केवल शिव सैनिकों के ही हक में होगा। मैं मुख्यमंत्री पद से हट जाऊंगा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही और यह कुर्बानी हो सकती है उद्धव ठाकरे की। और इस कुर्बानी के चलते क्या वह फिर से एक बड़ा समर्थन जुटा पाएंगे? क्या जो विधायक उन्हें छोड़कर चले गए हैं वह इमोशनल होकर शिवसेना में वापस आ जाएंगे? क्या यह वाकई में शरद पवार का गेम प्लान है? और यदि यह शरद पवार का गेम प्लान है तो यह फेल नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि शरद पवार की तारीफ तो खुद नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के समय। तो शरद पवार का गेम प्लान कैसे फेल हो सकता है? क्या यह शरद पवार का गेम प्लान है या फिर यह उद्धव ठाकरे की नई चाल है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।